पंचकर्म भारतीय प्राचीन आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति है। इस पद्धति में शरीर के दोषों को बाहर कर रोगों को जड़ से समाप्त किया जाता है। अमलतास अस्पताल में पंचकर्म चिकित्सा पद्धति से मरीज तंदुरुस्त हो रहे हैं। यहाँ आयुर्वेद चिकित्सक इस पद्धति से मरीजों का उपचार कर रहे हैं। इस पद्धति में उपचार महंगा है, लेकिन अमलतास में मरीजों को निःशुल्क परामर्श एवं प्रक्रिया के साथ किफ़ायती दर पर औषधि उपलब्ध की जा रही है। प्राचीन चिकित्सा पद्धति पंचकर्म रोगियों को सेहतमंद बनाने में महत्वपूर्ण साबित हो रही है। इसके माध्यम से रोगों को जड़ से ही नष्ट किया जाता है। रोगी के रोग को दूर करने के लिए अमलतास अस्पताल में पंचकर्म चिकित्सा के लिए आधुनिक मशीनें उपलब्ध हैं। पंचकर्म के लिए उपयोग में आने वाली औषधि एवं ऑयल काफी महंगे हैं, इसलिए इस पद्धति से उपचार भी महंगा है। पंचकर्म के लिए बड़े शहरों में कई सेंटर खुल चुके हैं, लेकिन वहां पर पंचकर्म का शुल्क बहुत ज्यादा है। पंचकर्म से चिकित्सा बहुत लोकप्रिय है, इसलिए अमलतास अस्पताल में भी मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अमलतास अस्पताल के चेयरमैन मयंक राज सिंह भदौरिया का कहना है, चिकित्सा के क्षेत्र में हरेक पद्धति का अपना महत्व है। पंचकर्म के लिए अमलतास में सभी प्रकार की सुविधाएं हैं। व्याधियों से ग्रसित लोगों को इसका लाभ उठाना चाहिए। ये पेशेंट हमारी सुशीला देवी हैं। इनकी एज है 65 साल की है। इनको 5 साल से कमर में दर्द है, कमर में दर्द है। जो कमर का दर्द है वो यहाँ से लेके उनके बटक से लेके सीधा एंकल जॉइंट पर जाता है, इसलिए इनको कटी बस्ती दी जा रही है। कटी बस्ती एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम उड़द के आटे का एक लेपिंग बनाती है, जिसमें एक तिल के या महानारायण तिल के द्वारा हम उनको कटी बस्ती दी जाती है। कटी बस्ती में बासामक तेलों का यूज करते हैं। बासामक तेल का यूज करें, जैसे कि आप लोग सब देख ही रहे हो। ये इसमें सबसे पहले क्या करते हैं कि ये उड़द के आटे की बस्ती लगाते हैं, इसको हम बस्ती बोलते हैं। फिर इसमें एक कॉटन लगाते हैं जिससे इसका टेम्परेचर मेंटेन हो सके, और फिर धीरे धीरे इसको कॉटन की साइड से इसको तेल को डालते हैं, और ये कंटिन्यू ऐसे आधे घंटे तक ये बस्ती चलती है। और फिर पेशेंट को इसके बाद इसका स्नेहन किया जाता है, फिर सूजन द्वारा ये प्रोसेस कम्प्लीट हो जाती है। मस्तिष्क के बेस के साथ में रिलेटेड रहता है, जो हम नासाई शिरोसद्वारम इसीलिए बोलते हैं कि जो शिरो के रोग है, यानी कि ऊर्ध्व जत्रुगत रोग है, क्लेविकल के ऊपर के जो भी रोग होते हैं वो इससे क्योर हो जाते हैं। अभी ये जो प्रोसीजर है उसमें नस्य, इसमें पूरा का पूरा स्नेहन हो जाएगा। स्नेहन करते हुए यहाँ पे पूरा इस साइड में हो जाएगा और पूरा पूरा फेस कवर कर लिया जाएगा। स्नेहन के बाद में स्वेदन दिया जाता है। स्वेदन के बाद में उसमें मेडिकेटेड ऑयल दोनों तरफ नासा के ऊपर डाल दिया जाता है, और फिर से बाद में उसको मसाज किया जाता है। इससे क्या होता है कि जो भी है ऊर्ध्व जत्रुगत विकार, इसमें फ़ायदा हो जाता है। और इसको बाद में, ये प्रोसीजर करने के बाद में आधा घंटा ठंडा हवा या ठंडी में एक्सप्लोजर नहीं देते हैं, तो ये एक प्रिकॉशन ही इसका लेना पड़ता है। अभ्यंग का भी वैसे ही है कि जब हम स्नेहन करते हैं तभी भी, या फिर स्वेदन करते हैं तभी भी, जब भी पेशेंट स्नेहन स्वेदन करता है, नस्य करता है, कोई भी आयुर्वेदिक प्रोसीजर मोस्टली करता है, तब आधे घंटे तक उसको डायरेक्टली एक्सप्लोजर में नहीं जाना है। ये उसने प्रिकॉशन रखना चाहिए, जिससे कि जो भी उसने प्रोसीजर किया है वो उसको बॉडी में पूरा का पूरा एब्जॉर्ब हो सके। सर शिरोधारा है, शिरोधारा के अंतर्गत ये प्रोसेस है सर। तक्रधारा हाइपरटेंसिव प्रोसेस पेशेंट होता है सर, जब जिनका हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक डायस्टोलिक अगर बढ़ा हुआ है, या फिर किसी और कारण से सर, फैमिली कारण से कोई मानसिक तनाव रहता है, इस टाइप की परिस्थिति के अंदर सर हम तक्रधारा प्लान करते हैं। तक्रधारा सर आचार्य चरक ने जो है हाइपरटेंशन को क्योर करने के लिए, हाइपरटेंशन को मैनेज करने के लिए बहुत उत्तम बताया सर। इसके अतिरिक्त भी सर जो इसके फायदे होते हैं, मतलब जैसे जब भी हम शिरोधारा करवाते हैं तो शिरोधारा के साथ में हमारे जितने भी ऊर्ध्व जत्रुगत विकार होते हैं, जैसे हमारे बालों का झड़ना, खालित्य पालित्य ऐसे, या किसी प्रकार का शिराशूल होता है, सिर दर्द करना, या फिर किसी भी तरीके से हमको हमारे ऊर्ध्व जत्रुगत विकारों के अंदर अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो उसके अंदर हमको तक्रधारा या शिरोधारा हम जो कहेंगे वो बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। इन पेशेंट को हाइपरटेंशन था, प्लस थोड़ी बहुत समस्या इनकी जो है मानसिक तनाव की थी, उन सब चीज़ों को देखते हुए हमने इनका तक्रधारा प्लान किया है सर। और ये प्रोसेस अभी इनका 7 दिन चलेगा,
सात दिन के बाद फिर हम सर इनको फॉलोअप के लिए कम से कम 8 दिन 15 दिन में फिर फॉलोअप के लिए बुलवाएंगे सर। देन उसके बाद 7 दिन का एक स्लॉट और चलाएंगे, ऐसे करके 2-3 स्लॉट्स होंगे सर। अभ्यंग करने के बाद में स्वेदन की प्रोसेस होती है, इसको कहते हैं हम पेटी स्वेद। पेटी स्वेद के अंदर सर्वांग स्वेद होता है, जैसे हम स्नेहन करते हैं स्नेहन के बाद में हम स्वेदन करते हैं तो नाड़ी स्वेद, वैसे उसी तरीके से पेटी स्वेद इसके अंदर हम पूरे इंसान को डाल देते हैं। ये एक द्रोणी है, सिर्फ मुंह बाहर होता है, हम टॉवल से यहाँ पे कवर कर देते हैं, अंदर भाप बन रही है, भाप से फिर पूरी बॉडी का स्वेदन होगा। जैसे कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य व्याधि परिमोक्षः, यानी कि स्वस्थ व्यक्ति के रक्षण के लिए और जिसको व्याधि है उसको उस व्याधि से छुटकारा देने के लिए आयुर्वेद का ये उद्देश्य है। इसीलिए उसमें आयुर्वेद में 2 मेन चिकित्सा पद्धति है, उसमें शोधन और शमन चिकित्सा पद्धति। शमन चिकित्सा पद्धति में तो हम हमारे शरीरगत जो दोष होते हैं उसको दवाइयों से ही ठीक करवाने का कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ दोष होते हैं कि जिसको हम नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए शोधन चिकित्सा पद्धति है। ये शोधन जो आता है पंचकर्म में आता है, पंचकर्म में कुछ प्रक्रियाएं रहती है, जैसे कि वमन विरेचन बस्ति नस्य, ये जो प्रक्रियाएं है वो पंचकर्म के अंतर्गत आती है। ये 5 मेन कर्म है जिससे कि हम हमारा शरीर पूरा शोधित कर सकते हैं। शरीर में जो भी टॉक्सिसिटी है वो सब हम बाहर निकाल सकते हैं। टॉक्सिसिटी ये निकालते कैसे है कि एक तो दो कंडीशंस में होता है, जैसे कि हमारा जो स्वास्थ्य है उसको स्वास्थ्य को यानी कि चिरकालीन टिकाने के लिए एक रहता है, जैसे कि वासंतिक वमन। अभी वसंत ऋतु आएगा तो उसमें वासंतिक वमन रहता है कि जो हम साल में एक बार करना जरूरी होता है। शरद ऋतु में हमें बस्ती लेना जरूरी पड़ता है या फिर रक्तमोक्षण करने के लिए। शरद ऋतु में हम रक्तमोक्षण कर सकते हैं, वात व्याधि के लिए हम बस्ती कर सकते हैं। ये सब हमें साल में एक बार करना पड़ता है, लेकिन जब व्याधि होता है तो शोधन करना जरूरी पड़ता है, जब दोषों को बाहर करना है तो तब उस वक्त वमन ये प्रक्रिया रहती है कि उसमें ऊर्ध्व चतुर्गत व्याधि मीन्स जो हमारे छाती के रोग होते हैं, छाती में बलगम वगैरह होता है, या फिर नासा और शिरों के रोग होते हैं, यानी कि अपने ऊपर का जो पार्ट रहता है शरीर के ऊपर का पार्ट, उसके लिए हम ये वमन प्रक्रियाएं करते हैं। ये जो सब है ऊर्ध्व चतुर्गत व्याधि में कुछ मेडिकेटेड औषधियाँ दी जाती है। पहले तो उसमें पूरे के पूरे पंचकर्मा में 3 स्टेप्स होते हैं हर प्रक्रिया में। एक होता है प्रधान पूर्व कर्म, दूसरा होता है प्रधान कर्म और तीसरा होता है पश्चात कर्म। ये 3 कर्मों के बाद में संसर्जन क्रम होता है। जैसे कि हम पूर्व कर्म में क्या करते हैं, वमन देना है तो हम घृतपान वगैरह देते हैं, और डिसीज के अनुसार होता है, प्रकृति उस व्यक्ति के प्रकृति के अनुसार होता है। बाद में प्रधान कर्म में हम एक्चुअली ओमिटिंग के जैसा एक प्रोसेस होता है, लेकिन वो मेडिकेटेड होता है, इससे आदमी को वीकनेस नहीं आता है। जैसे कि हम नॉर्मली जब ओमिट करते हैं या फिर उल्टियां होती है नॉर्मली, तब वीकनेस आता है, ग्रिडीनेस आता है, भ्रम उत्पन्न होता है, लेकिन ये मेडिकेटेड प्रोसेस होने से क्या होता है कि वहाँ पे जब हम वो प्रोसेस करते हैं उस व्यक्ति को कुछ भी ऐसा साइड इफेक्ट नहीं दिखता है, क्योंकि हम उत्क्लेश करके दोषों को बाहर निकालते हैं उस वक्त। ये प्रधान कर्म होने के बाद में हमारा पश्चात कर्म शुरू हो जाता है, उसमें संसर्जन क्रम आता है। फिर हम धीरे 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 उस व्यक्ति का अग्नि का बलवर्धन कर देते हैं और हम कुछ मेडिकेटेड औषधि भी उसको देते हैं। ये सब होता है वमन में, ऐसा ही हम बस्ती विरेचन नस्य में करते हैं। ये जो है अलग अलग प्रक्रियाएं उस हिसाब से डिसीज के अनुसार भी दी जाती है और स्वास्थ्य रक्षण के लिए भी दी जाती है। ये सब हमारे यहाँ पे बहुत ही कम रेट के ऊपर उपलब्ध है, क्योंकि क्या है कि हमारे यहाँ पे जो भी देते हैं कि नॉमिनल हम उसका चार्ज करते हैं, क्योंकि अगर आप बाहर जाओगे तो पंचकर्म के लिए मिनिमम 50,000 से लेके आगे तक का, आगे आप जितना भी उसमें आप जितना भी ले सकते हो उसका उपचार, उसमें 1-2 लाख रुपए तक होता है, लेकिन हमारे यहाँ पे प्रक्रिया का शुल्क लिया नहीं जाता है। और दूसरा कि हम यहाँ पे जो भी मेडिकेटेड औषधि देते हैं मोस्टली तो हम फ्री ऑफ चार्ज देते हैं, लेकिन कुछ दवाइयाँ महंगी रहती है, उसका ही आपको कुछ पे करना पड़ता है। ये सब हमारे यहाँ पे सुविधाएं उपलब्ध है। शिरोधारा नस्य वमन कर्म पंचकर्म में आता है, ये सभी हमारे पास उपलब्ध है और इसका ज़्यादा से ज़्यादा नागरिकों ने लाभ उठाना चाहिए। हमारे यहाँ पे स्वेदन के लिए पेटिया स्वेदन पेटी अलग से है, हमारे यहाँ पे शिरोधारा यंत्र अलग से है, हमारा नस्य डिपार्टमेंट अलग से है,
हमारे यहाँ पे जितने भी हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन सभी के लिए हमने 12 अलग अलग कक्ष बनवाए हैं। रक्तमोक्षण का अलग कक्ष है, अग्निकर्म का अलग कक्ष है, बस्ती का अलग कक्ष है। इसमें हमने अवगाह यंत्र तक रखा है, अवगाह यंत्र के साथ में टॉप भी रखा है एक। दूसरा कि हमारे यहाँ पे शिरोधारा पात्र है। टेबल्स अलग अलग प्रकार की है, हमें जो लगती है वो उसमें हमें जो काढ़ा वगैरह बनाने होता है वो फ्रेश काढ़ा वहीं पर बनाया जाता है। और नस्य का टेबल भी अलग है और नस्य की कुर्सी भी अलग है हमारे पास में। मतलब कितने पेशेंट आ रहे हैं जी? अभी हमारे पास तो बुकिंग शुरू है, क्योंकि हम बुकिंग के अनुसार ही हर रोज़ 10 से 20 से ऊपर तो नहीं लेते हैं। अगर माइनर छोटी प्रक्रिया है तो 20 तक जाता है, मेजर है तो हम 10 ही लेते हैं।